हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आज ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या अब डिप्लोमा का बच्चा एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर क्लियर कर सकता है क्या? जिसका आंसर मेरी तरफ से अभी के लिए तो है नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है मन में बच्चों के कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अभी डिप्लोमा का बच्चा एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर क्लियर नहीं कर पाएगा। देखो, इससे कुछ मेन रीजंस हैं, मैं एक एक करके सारे लिस्ट आउट करूंगा आपके सामने, बट सबसे मेजर रीजन जो है ना इसका, वो है अभी जो आपके रिसेंट दो पेपर्स हुए हैं, GWRDC और GMC का। देखिए, पहली चीज जो पेपर आया था, ठीक है, उसका डिफिकल्टी लेवल एक पेपर का इजी टू मॉडरेट है, एक का मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ द पेपर, जो कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आए हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री के बच्चे को भी कर देते ना, हम जो डिग्री सिविल का बच्चा है वो भी वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ CPM में क्वेश्चन लिस्ट आउट हो रहा है, मुझे बताइए डिग्री और डिप्लोमा के बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनता है? कमेंट में बताइए। नहीं बनता, चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या ये बनता है? ये भी नहीं बनता, कमेंट बताते जाओ फटाफट। क्या अगला क्वेश्चन बना आपसे? नहीं बना। ये क्यों नहीं बन रहा, कुछ आपको समझ में आ रही है बात? क्योंकि GPSC ने जब भी एग्जाम्स को कंडक्ट किया ना, तो ये देखा कि भाई उसमें वैकेंसीज कितनी है, और डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसीज क्या किया, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस के लेवल को इस तरह से सेट किया कि वो क्वेश्चन इससे बने ही ना। मैं एक चीज मानता हूं, अगर वैकेंसी कम आई है तो आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए, पर कुछ इस तरह से बढ़ाइए ना कि वो क्वेश्चंस कम से कम बच्चों ने एक बार देख लिए हुए हों, या वो टॉपिक कभी ना कभी पढ़ा हुआ हो बच्चों ने। खासकर अगर आप क्लास 3 लेवल के पेपर्स की बात कर रहे हैं, तो कम से कम वहाँ जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इतना होना चाहिए कि हर डिप्लोमा का बच्चा उन क्वेश्चंस को बना पाए, या कम से कम उसने अपने कॉलेज लाइफ में उसको एक बार पढ़ा हो, क्योंकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो वही थी ना। बट अभी जो पेपर सेट हो रहे हैं ना, वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो मुझे लगता है कि क्लास 1 के इक्विवेलेंट कर दिया है, जैसे GES का पेपर होता है। तो अब एक बात तो क्लियर है कि अगर इस हिसाब से मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स चले ना, तो पेपर तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब डिप्लोमा के बच्चों को करना क्या पड़ेगा? तो जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं ना, जो अपनी तैयारी अभी से कर रहे हैं, देखो पेपर जो अभी अगला आना है, पर तैयारी कैसी करनी है? अब एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी है, अब हमें एग्जाम से एक लेवल आगे रहना है। क्यों एक लेवल आगे रहना है भाई? अगर पेपर टफ आ रहा है ना, तो अपनी तैयारी को और डबल करेंगे कि हमारा पेपर और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। तो अब करना क्या है, अगर आप क्लास 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्लास 2 के एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब एक लेवल ऊपर के एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। सिमिलरली जितने डिग्री के स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप सबको मैं बताता हूं कि अगर आप क्लास 2 के एग्जाम क्रैक करने का सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम क्लास 1 या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पेपर क्लियर होगा क्लास 2 का। और ये मैं अपने दिल से बता रहा हूं आपको ये बात, कि सही में यही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह पिछले साल इनने क्लास 2 का पेपर लिया था, जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिए थे, वो पेपर भी देख के मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा मुझे रिस्पांस दिया ना, जितने भी मेरे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट ने मुझे ये बोला, सर क्या किया ये GPSC ने हमारे साथ। और सही में यार, मतलब वो पेपर देख के ऐसा लगा ना कि GPSC सिलेक्ट करने को नहीं बैठा है, रिजेक्ट करने को बैठा है सारे बच्चों को। और दिल से दुख होता है यार भाई, है ना, मेरे स्टूडेंट्स जब इस तरह से पिसते हैं ना, जब इस तरह से पिसते हैं बिकॉज ऑफ दी एक बहुत ही मतलब वर्स्ट लेवल ऑफ पेपर से, एक बहुत ही मतलब ऐसा लेवल ऑफ पेपर जो कि मतलब डिजर्व ही नहीं करता उस एग्जाम को। अगर हम बोले क्लास 3 के लेवल को डिजर्व करता है क्या ये पेपर, बिल्कुल नहीं करता। अगर इस वजह से मेरा बच्चा रुक जाएगा, तो मेरे दिल को बहुत दुख होगा यार, है ना। कारण है उसका, बच्चे साल भर अपने आप को पूरा झोंक देते हैं उस एग्जाम की तैयारी में, कई बच्चे दो साल झोंक देते हैं, उसके बाद आप इस लेवल का पेपर रिलीज करते हैं। मैं GPSC को बोल रहा हूँ, आप इस लेवल का पेपर रिलीज करते हैं कि बच्चों को ऐसा लग जाता है यार हमने क्या तैयारी की कि हमारा ये पेपर अभी भी नहीं निकला। सेम चीज क्लास 2 के लिए भी है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो एक लेवल ऊपर के एग्जाम की तैयारी करिए, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप क्लास 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 1 के इक्विवेलेंट एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आप क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तो आप कम से कम क्लास 2 के एग्जाम की तैयारी करिए, तब जाके आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स निकलेंगे। सिमिलरली मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, कभी होप मत हारो कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपको, 100%
100% मिलेगी। देखो हर बच्चे की लाइफ में एक बार गवर्नमेंट जॉब दस्तक देती है, ये तय है, तय है। जिन बच्चों ने भी दिल से मेहनत की ना एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब की लाइफ में दस्तक देगी। बट उस समय आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और करना ही है। अगर वो समय निकल गया ना बेटा, फिर शायद बहुत मुश्किल से आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है सबसे, तैयारी दिल से करो, पेपर का लेवल एक लेवल ऊपर की तैयारी करिए, 100% आप पेपर क्लियर करके आएंगे। ठीक है, जीपीएससी से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप पेपर को ले रहे हैं कम से कम इतना ध्यान रखें कि जो भी आपने मिनिमम वहां पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मांगी है, मिनिमम जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लेवल का पेपर सेट करें, अगर डिग्री है तो डिग्री के लेवल का पेपर सेट करें, पर वो क्वेश्चन बच्चों ने कभी ना कभी देखे हुए हो, ऐसे क्वेश्चन को सेट करिए। ऑन दिस पॉजिटिव नोट मैं यहाँ पे आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे जुड़े, मुझे सुने यहाँ पे, ठीक है, अब एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, मेहनत एकदम झोंक के कर दो अपने आप को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू ऑल।